पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने किसान महापंचायत को लेकर रतलाम में कहा कि वे पार्टी की तरह इस आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसमें किसानों के मुद्दों को उठाया जाएगा। इस दौरान कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता मंच पर नहीं बैठेगा। रतलाम में किसान महापंचायत पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब से किसान कानून आया है, कांग्रेस पार्टी ने संसद से लेकर सड़कों तक इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा, इस आंदोलन को मध्य प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। जो महापंचायत रतलाम से शुरू हो रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भाषण नहीं देगा, न कोई मंच पर बैठेगा, न कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगेगा। इस दौरान वे कोई राजनीतिक बात भी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कांग्रेस नेता अरुण यादव को किसान नेता के रूप में भाषण देने की बात कही। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो संयुक्त एकता मंच है, जिन्होंने कि पूरे देश में किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन चलाया हुआ है, उनका सहयोग हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने संसद में और संसद के बाहर शुरू से ही, जब से ऑर्डिनेंस आया तब से हम लोगों ने उसका विरोध किया है और हर तरह से जनता के बीच में हम लोग जाकर समझाएंगे कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने पर्चा भी निकलवाया है जो जन जन तक हम लोग बांट रहे हैं। साथ में हमारा ये प्रयास है कि हम सभी को साथ में लेकर हम इस आंदोलन को मध्य प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाएं। जो किसान महापंचायत आज रतलाम से शुरू हो रही है, डेलनपुर से, उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भाषण नहीं करेगा, कोई मंच पे नहीं बैठेगा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगेगा। और जब मैं इस यात्रा में हूं तो मैं कोई राजनीतिक बात भी प्रेस के माध्यम से नहीं करूंगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।